नमस्कार दोस्तों, ओम नारायण नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अब आपके दुश्मन के साथ में अजीबोगरीब घटना होने वाली है, जिसके बाद में वह आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा। क्योंकि दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर ग्रह का बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और ये बड़ा परिवर्तन आपके दुश्मन को दो बड़ी सज़ा देगा। इसी के साथ अगले दो दिनों के भीतर यदि आप दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, ताकि दोस्तों प्रत्येक जानकारी और सटीक जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगी कि आपके जीवन में वैसे तो परिवर्तन शुभ होते नहीं हैं, लेकिन जब होते हैं तो वो आपकी किस्मत में चार चांद लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही आपके साथ में हो रहा है, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस परिवर्तन को सकारात्मक रूप से लेने की कोशिश करें। किसी का गलत ना सोचें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके जीवन में बड़ी घटना का सामना आपको करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार आप लोगों को कुछ खास सावधानियां रखनी है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, ग्रह में जो ये दो बड़े योग हैं, वह दोस्तों आप लोगों को कैसे मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, आपने जब भी किसी भी कार्य को किया है, उसमें आप लोगों को धोखा ही मिला है। या तो वह आपके परिवार वालों के साथ में हो सकता है, या दोस्तों कोई आपका करीबी है जो आपको इस चीज़ में धकेल रहा है। इसलिए आप लोगों को इन लोगों से कुछ खास सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नारायण के सच्चे भक्त हैं, भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं और माँ लक्ष्मी पर अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दें, ताकि माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहे। और ओम नारायण नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में। आपकी मुलाकात आज अपने किसी करीबी परिवार वाले व्यक्ति से हो सकती है, जिनसे मिलने के बाद में आप लोगों को काफ़ी हद तक खुशी होगी। वह आपके किसी काम में मदद भी कर सकते हैं। पैसों की लेन देन में आप लोगों को सावधानी रखनी है, तथा किसी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसानदायक हो सकता है। इस दिन मानसिक अशांति तथा तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, धन अचल संपत्ति इत्यादि को लेकर के स्थितियां काफ़ी अनुकूल रहने वाली हैं। यदि आप नौकरी करते भी हैं, तो नौकरी में आज आपको उन्नति के अच्छे स्रोत हैं। तो दोस्तों, इस समय आप लोगों को निवेश का नज़रिया अपना सकते हैं, और आप निवेश कर आर्थिक स्थिति को भी और भी बेहतर बनाने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। दोस्तों, आज ससुराल पक्ष के लोगों के साथ में कुछ झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोगों के जीवन में नए बड़े परिवर्तन हैं, इस पर खास ध्यान और ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन व धन की स्थिति कैसी रहेगी? दोस्तों, अपने परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आगे बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। कुछ समय भी संग व्यतीत करेंगे, आपके मन को शांति मिलेगी। धन का आगमन हो सकता है, व्यवसाय में परिवर्तन की तरफ अग्रसर होंगे, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करें तो बेहतर होगा। प्रतिदिन की दिनचर्या में कुछ बड़े बदलाव लाएं। जो युवा राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आपको स्वभाव को संबोधित करने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी की मधुरता के कारण सभी लोग आपसे प्रभावित होंगे, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जो युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, ग्रह स्थिति अच्छी है, समाज में नई पहचान मिल सकती है, प्रभावशाली संपर्क बनेंगे, काम पर बड़ा बोझ हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को काम से कुछ समय थोड़ी छुट्टी ले लेनी चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों, स्टील व्यापारियों के लिए भी समय काफ़ी उचित है। यदि आप कहीं पर अपना पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर किसी कार्य में आप असफल होते हैं, तो आप लोगों को कुछ बैकअप प्लान यानी कि थोड़ी सेविंग्स, थोड़ी बचत करने की भी आवश्यकता है। व्यवसाय को लेकर के अगर मैं बात करूँ, बिजनेस पर पूरा ध्यान दें, मौजूदा गतिविधियों पर भी ध्यान दें।
नौकरी पेशा लोग सरकारी मामले में उलझन रख सकते हैं। हर काम में बहुत अधिकतर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार वालों के साथ में मनोरंजन का प्रोग्राम बनाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, तालमेल आप लोगों का काफ़ी बेहतर रहने वाला है, जो आप लोगों को सुकून की प्राप्ति कराएगा। नौकरी कर रहे जातक नौकरी में दिए गए कार्य को समय पर पूरा करने में सफल होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज आपने जो निवेश किया हुआ है उसका फायदा होगा। घर में पूजा पाठ आदि का आयोजन होगा, जिसमें सभी रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। परिवार वालों के साथ में आप किसी धार्मिक कार्य में जाने की योजना बना सकते हैं। सभी लोग खुश नजर आएंगे, आपके मन को शांति मिलेगी। विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और उसमें जीत भी हासिल करेंगे। घर में पूजा पाठ हवन आदि का आयोजन होगा, जिसमें सभी रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। परिवार वालों के साथ आप किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बनाएंगे। निवेश की योजना है तो तुरंत कार्य करें, फायदा होगा। सुख सुविधाओं की चीज़ों की खरीदारी में समय बीतेगा, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के उनकी नियमित देखभाल व सेवा अति आवश्यक है। आप अपने मनोरंजन व अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण उन्हें नज़रअंदाज ना करें। नौकरी और बिजनेस में मन मुताबिक नतीजे मिलेंगे। अंदरूनी व्यवस्था और काम करने के तरीकों में बदलाव की ज़रूरत है। आप इसमें दस्तावेज संभालने में लापरवाही से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के दोस्तों, घर तथा परिवार में कुछ अनबन रह सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, व्यवसाय सभी की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी और आप इन्हें बखूबी निभाएंगे। आपके व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। किसी विशेष कार्य के प्रति किए गए प्रयासों की सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपका रुझान बढ़ेगा। संतान से संबंधित शुभ सूचना मिलने से मन को सुकून मिलेगा। घर में नज़दीकी संबंधियों का आगमन होगा। कोई विकास निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य कर लें। युवा वर्ग अपनी मेहनत के मन अनुकूल परिणाम मिलने से चिंतित होंगे। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होना उचित नहीं है। इस समय व्यवसाय संबंधी प्रत्येक कार्य सावधानी से करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में भी नुकसान होने की आशंका है। लेन देन संबंधी गतिविधियों में ध्यान देने की ज़रूरत है। नौकरी में आपकी उचित कार्य की वजह से अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बनाकर रखें। इस समय उचित सामंजस्य तथा मनोबल बनाए रखने का है। धार्मिक या फिर आध्यात्मिक स्तर पर कुछ समय व्यतीत करने से आप बहुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे।